तंजु मजा के उस शायर के हुजूर चलता हूँ इस शेर के साथ के कदिस कदर दराज था मेरे रकीब का, सीढ़ी लगा के मुंह पे चपत मारना पड़ा। कदिस कदर दराज था मेरे रकीब का, सीढ़ी लगा के मुंह पे चपत मारना पड़ा। मेरी मुराद है मुहतरम जनाब अनस रजी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम बलागत निजाम से सामईन को महसूस फरमाएं। स्टेज पर शनावर किरतपुरी साहब मौजूद हैं, बड़े भाई आदिल रशीद साहब, ताहिर भाई, बहार भाई, उबैद और हाजी जी सामने बैठे हैं। मुलाहिजा करें, हैरतों में जो डाल दे सबको, हैरतों में जो डाल दे सबको, ऐसा मंजर दिखा भी सकता हूँ। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। हैरतों में जो डाल दे सबको, ऐसा मंजर दिखा भी सकता हूँ। मुस्कुराहट भी आएगी लब पर, आपको मैं रुला भी सकता हूँ। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। मुस्कुराहट भी आएगी लब पर, आपको मैं रुला भी सकता हूँ। और हर तरफ डंका बजेगा बस तुम्हारे नाम का, भीड़ में इन शायरों की खुद को आगे पाओगे। रात बेगम कह रही थी चूम कर टकला मेरा, देख लेना तो तुम भी पॉपुलर हो जाओ। रात बेगम कह रही थी चूम कर टकला मेरा, देख लेना अब तो तुम भी पॉपुलर हो जाएगा, हो जाओगे। आजकल वो आदिवासी तेल चल रहा है ना बहुत ज्यादा, तो मैं एक तेल लाने वाला हूँ, दिल्लीवासी तेल। नहीं, जिन्होंने, मैं सर पे नहीं लगाता। हर तरफ डंका बजेगा बस तुम्हारे नाम का, वाह वाह। भीड़ में इन शायरों की खुद को आगे पाओगे। वाह। रात बेगम कह रही थी चूम कर टकला मेरा, अच्छा देख लेना अब तो तुम भी पॉपुलर हो जाओ। क्या बात है, वाह 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 भाई, वाह वाह। बोलो बहुत अच्छा है। देखिए नजरें जमा कर आप चाहे जिस तरह, वाह। टॉप मेरा देखिए और बेस को भी देखिए, अच्छा फेस भी है देखने लायक मेरा, लेकिन जनाब आप मेरे फेस के सरफेस को भी देखिए। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह। आप मेरे फेस के सरफेस को भी देखिए। बहुत अच्छा है फैजी साहब, वाह वाह। वो कॉलेज में बड़ा प्रपोज किया लड़कियों को, रिजेक्ट हो गए, फिर प्रपोज किया। रिजेक्शन का फायदा ये होता है कि आपको प्रपोज करने में महारत हासिल हो जाती है। जिन लड़कियों ने रिजेक्ट करा उनके साथ क्या हुआ ये मुलाहिदा करें। अता कर के पेट निकला हुआ, आंखों पे है मोटा चश्मा, अच्छा पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है। वाह। मुझको ठुकराया था जिसने कभी गंजा कहकर, उसके शौहर को जो देखूं तो खुशी होती है। बहुत अच्छा है, उसके शौहर को जो देखूं तो खुशी होती है। पेट निकला हुआ, आंखों पे है मोटा चश्मा, पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है। मुझको ठुकराया था जिसने कभी गंजा कहकर, उसके शौहर को जो देखूं तो खुशी होती है। और क्यों अकड़ती फिर रही हो मुझको ठोकर मार कर, एक दिन किस्मत पे अपनी जाने मन रोना ही है। देख लो जो देखती हो ख्वाब तुम सलमान के, बाद में खाला के लड़के से लगन होना ही है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया बराबर भाई। क्यों अकड़ती फिर रही हो मुझको ठोकर मार कर, एक दिन किस्मत पे अपनी जाने मन रोना ही है। देख लो जो देखती हो ख्वाब तुम सलमान के, बाद में खाला के लड़के से लगन होना ही है। वाह वाह वाह। ये भी मुलाहिजा करेंगे, एक बीवी पर गुजारा हो रहा था आज तक, एक बीवी पर गुजारा हो रहा था आज तक, और अब पहलू में लेकर चार बैठे हैं यहाँ। वाह। मुफ्ती तारिक आप ही ने तो दिया है हौसला, वाह। आपसे बेअत को हम तैयार बैठे हैं यहाँ। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। मुफ्ती तारिक आप ही ने तो दिया
दिया है हौसला, आपसे बैत को हम तैयार बैठे हैं यहाँ। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। आपसे बैत को हम तैयार बैठे हैं यहाँ, बहुत अच्छा है। और हर तरह के मौलवी, देखिए ताहिर भाई को छोड़ के कह रहा हूँ मैं, हर तरह के मौलवी अब आ गए YouTube पर। आदिल भाई, हर तरह के मौलवी, हर तरह के मौलवी अब आ गए YouTube पर। जो अमल ममनू थे वो आज जायज हो गए। वाह, हमने करके देख ली अपलोड सारी वीडियो और वो दो वीडियो से मोनिटाइज हो गए। क्या बात है, क्या बात है। और वो दो वीडियो से मोनिटाइज हो गए। और एक दो कते और कि हर घड़ी हाथों में मोबाइल नहीं होता था जब, हर घड़ी हाथों में मोबाइल नहीं होता था जब, देखकर बस दूरदर्शन दिल को बहलाते थे हम। आप जो कुछ OTT पर देखकर समझे हैं वो सिर्फ दो फूलों के मिलने से समझ जाते थे हम। वाह 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 भाई वाह। आप जो कुछ OTT पर देखकर समझे हैं वो, देखकर समझे हैं वो सिर्फ दो फूलों के मिलने से समझ जाते थे हम। वाह। और मुंबई गया तो वहां पर चौल सिस्टम होता है और कंबाइंड टॉयलेट होता है। उस्ताद दाख के मिसरे पर एक तस्वीर है आदिल भाई, फिर दो कते ज़हमत लोग बाहर ही तड़पते रहे शौचालय के, पेट पकड़े हुए दो चार वहीं ऐड गए। वाह। शोर बरपा था मगर मैं भी ना आया बाहर, हजरते दाग जहां बैठ गए बैठ गए, हजरते दाग जहां बैठ गए बैठ गए। और आखिरी दो कते, रमजान में वो हमारे यहाँ दिल्ली में AC बहुत टपकता है, बड़े बड़े अल्लाह वालों का। एक साहब से मैंने कहा आपका AC टपक रहा है, तो बोले पानी बिल्कुल पाक है, बिल्कुल साफ पानी है। मुलाहिजा करें कि गेट पर दोजख के मैंने एक फरिश्ते से कहा, किस तरह आमाल मेरे यूं भला कम रह गए। हंस के बोला आपका AC टपकता था जनाब, इतना टपका आपके आमाल सारे बह गए। बहुत अच्छा है, इतना टपका आपके आमाल सारे बह गए। और आखिरी कथा जो दिल्ली में हो रहा है वो बता रहा हूं। अता करिए, अता करिए। लैला बटवे में प्रीकॉशन लिए फिरती है अब। वाह। लैला बटवे में प्रीकॉशन लिए फिरती है अब, मजनू बोसे ले रहा है रास्ते में बेधड़क। वाह। ऑनलाइन अब बुकिंग होती है डेटिंग ऐप से, इश्क सहरा से निकलकर आ गया ओयो तलक।